आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम अपनी पुस्तक साहित्य सौरभ का एक पाठ सबसे कठिन काम पढ़ रहे हैं। लेखिका हैं मधु कांकरिया जी। जब सबसे कठिन काम हमने पिछली कक्षा में पढ़ना शुरू किया तो हमें यह समझ आया कि इस कहानी में एक डॉक्टर है और उनका काम सबसे कठिन है, क्योंकि वह अपने परिवार की, अपनी जिंदगी की, अपने खुद के लिए बिताए समय की तिलांजलि देकर अपने डॉक्टर धर्म को पूरा करने की संपूर्ण कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जब हमने कहानी पढ़ी तो हमें पता चला कि डॉक्टर साहब ने अपनी डॉक्टरी की शपथ को पूरी तरह से निभाया है। यहाँ तक कि जब उनकी शादी हुई तो वह अपनी सुहागरात के दिन भी एक फ़ोन कॉल पर मरीजों को देखने चले गए। घर में बढ़ती शिकायतें उन्हें परेशान तो करती थी, पर उन्हें उनके चिकित्सक धर्म से डिगा नहीं पाती थी। आगे की कहानी पढ़ते हैं आज हम। पेज नंबर 74 पर हम पढ़ रहे थे। उनकी पत्नी उनसे कुड़ जाती है, क्योंकि जब भी परिवार को डॉक्टर साहब की आवश्यकता होती तो डॉक्टर साहब उनके पास मौजूद नहीं रह पाते थे। माननी पत्नी कुछ दिन मान करती, सोचती कि काश चाबी के गुच्छे की तरह पति को भी पल्लू से बांध रख पाती। उन नशीले रंगीन और मादक स्वप्नों को याद कर आंसू बहाती जो उसने फूल तुम्हें भेजा है खत में। यह एक बहुत सुंदर गीत था। वह गाते हुए कॉलेज की सखियों के साथ कभी देखे थे। हर लड़की यह स्वप्न देखती है कि उसका पति उसे पूरा समय देगा, लेकिन फिर वही घोड़ा, वही मैदान। अपने संत से पति को क्षमा कर देती, ज्यादा दिन तो पति से न दूर रह सकती है और न नाराज, तो वह भली भांति जानती थी कि वह सद्धर्म कर रहा है, स्वार्थी नहीं है, समाज सेवा में व्यस्त है। जैसा भी है, पति पूरा का पूरा उसका है, सोचती और ईश्वर से हॉटलाइन जोड़ लेती, अपने मन को तसल्ली देने के अलावा उसके पास कोई और उपाय भी तो नहीं था। दिन बीत रहे थे, टूट टूट कर भी जुड़ जाती लयताल जिंदगी की। मध्यवर्गीय मानसिकता सब कुछ स्वीकार कर लेती। चाय के प्याले में शक्कर दिन पर दिन कम होती जा रही थी, पर वाणी में डॉक्टर के दिन पर दिन शक्कर घुलती जा रही थी। समय व्यतीत होता रहता है,
वो भला किसके लिए रुका है। जिंदगी अपनी लय ताल के साथ चली जा रही थी, लेकिन एक मटमैली शाम जब सूर्य अस्त होता है तो शाम बड़ी ही मैली मैली सी प्रतीत होती है। लेकिन एक मटमैली शाम सचमुच कुछ ऐसा हो गया कि आसमान में उड़ते गरुड़ का ध्यान भटक गया और सारी लयताल बिगड़ गई। कुछ ऐसा हो गया जिससे डॉक्टर साहब की जिंदगी में बहुत बड़ा उलटफेर आ गया। यह वह समय था जब इतिहास करवट बदल रहा था और अन्ना आंदोलन की पृष्ठभूमि से उपजी एक नई नवेली पार्टी ने देश के प्रतिबद्ध युवाओं का राजनीति में सक्रिय योगदान के लिए आह्वान किया था। समय के साथ सब परिवर्तित होता है, इसी प्रकार एक नई पार्टी बनी जिसमें देश के लिए प्रतिबद्ध युवाओं को योगदान करने के लिए आह्वान किया गया। फिजा में बदलाव की अकुलाहट थी, पर पीड़ा की जाने कैसी अकुलाहट इस आंदोलन ने पैदा कर दी थी। जब चारों तरफ ही बदलाव का समय आता है तो हर मनुष्य पर इसका कोई न कोई प्रभाव अवश्य पड़ता है। इसी पर पीड़ा की अकुलाहट ने डॉक्टर साहब के मन मस्तिष्क में भी परिवर्तन की आंधी लाई। पर पीड़ा की जाने कैसी अकुलाहट इस आंदोलन ने पैदा कर दी थी कि डॉक्टर के वृत्त में सिमटी मीनारें टूटने लगी और पहली बार इस सोच ने असर डाला कि देश के लिए यदि सचमुच कुछ करना है तो देश को इन भ्रष्ट नेताओं के साए से मुक्त करना होगा। अपनी तरफ से डॉक्टर साहब पूरे के पूरे मरीजों के प्रति समर्पित थे, पर अब वह राजनीति से भी भ्रष्ट नेताओं को साफ करने का सपना देखने लगे। वह चाहते थे कि यह परिवर्तन ऊपरी तौर पर नहीं बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरे के पूरे समाज को बदलना चाहिए। मैं चाहे कितनी भी खुशबू फैलाने का प्रयास क्यों न करूं, बदबू के स्रोतों को जब तक बंद न किया जाएगा, मेरे सारे किए कराए पर माटी गिरती रहेगी। डॉक्टर साहब की सोच यह थी कि वह गरीबों का मुफ्त इलाज कर रहे हैं और कई तरीके से समाज सेवा कर रहे हैं, परंतु उनकी फैलाई खुशबू में इन भ्रष्ट नेताओं के भ्रष्ट कार्यों की बदबू वह महसूस कर पा रहे थे,
और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके किए कराए पर तो बस माटी गिरती रहेगी अगर इस बदबू को जड़ से न मिटाया गया। भीतर मचलता कुछ करने का जोश जज्बा, होठों पर मचलती कॉलेज के दिनों की महबूब पंक्तियां, हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के खिलाफ, हम लड़ेंगे जब तक दुनिया में लड़ने की जरूरत बाकी है। और बाहर लगातार बढ़ता मित्रों और शुभ चिंतकों का दबाव, एक चमकती शाम उन्होंने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया, हम लड़ेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ, हम लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव, समाज में परिवर्तन लाने की इच्छा, पूरे के पूरे ढर्रे को बदलने की चाहत, कॉलेज के दिनों में सुनी हुई कुछ प्रेरणादायक पंक्तियां और मित्रों और शुभचिंतकों का दबाव और खुद के मन की चाहत कि मैं इस व्यवस्था में परिवर्तन लाऊंगा, यह सोच के डॉक्टर साहब ने एक चमकती शाम अंततः निर्णय ले ही लिया कि अब वह चुनाव लड़ेंगे। अपने इस निर्णय पे वे खुद भी कम हैरान नहीं थे। उधर जाने कैसे टीएमसी और सीपीएम दोनों ही मुख्य दलों को खबर लग गई डॉक्टर के चुनाव लड़ने की इच्छा की। दोनों ने ऑफर किया कि वे उनकी पार्टी का प्रतिनिधित्व करें। सबको पता था कि डॉक्टर साहब किस प्रकार निस्वार्थ भाव से सालों से सेवा करते आ रहे हैं। दोनों ही पार्टियों ने उन्हें अपनी पार्टी की तरफ से लड़ने का न्योता दिया, पर भ्रष्टाचार मुक्त भारत का स्वप्न देखने वाले डॉक्टर ने ठानी कि वे लड़ेंगे, वे निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। निर्दलीय का अर्थ होता है कि अपने बलबूते पर, वह किसी भी पार्टी के साथ जुड़कर उनके किए गए भ्रष्टाचारी गतिविधियों का हिस्सा कतई नहीं बनना चाहते थे। वह बदलाव लाना चाहते थे, वह परिवर्तन की आशा रखते थे और वे सचमुच कूद पड़े चुनावी मैदान में पूरे संकल्प और पवित्रता के साथ। भीतर था सत्य और अपने 30 वर्षीय जीवन के सत्कर्मों की पूंजी का जोर। इस कारण अपनी जीत के प्रति इतने आश्वस्त थे कि वे चुनाव के अत्यंत सरगर्मी के दिनों में भी प्रचार से दूर भागते रहे। जिस मनुष्य को अपने कर्मों पर, अपनी अच्छाई पर भरोसा होता है, तो
यहाँ डॉक्टर साहब को भी अपने 30 जीवन के महत्वपूर्ण सत्कर्मी वर्षों पर पूरा भरोसा था। यहाँ तक कि यह बात कि चुनाव के पहले प्रचार प्रसार करना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि उनका चिन्ह कौन सा है, वह चुनाव में लड़ भी रहे हैं कि नहीं। उन्होंने प्रचार प्रसार से दूरी बनाई रखी, मरीजों की उपेक्षा कर चुनावी प्रचार में आस्था नहीं थी उनकी। उन्हें तो बस एक ही काम आता था, अपने मरीजों की निस्वार्थ सेवा। लिहाजा थोड़ा बहुत प्रचार जो भी किया, मित्रों और शुभचिंतकों ने ही किया। उन्होंने कभी कहीं जाकर किसी भी वोटर से वोट के लिए मांग नहीं की। मित्र समझाते, आजकल बिना प्रचार मीडिया की ठकुर सुहाती और विज्ञापन के कुछ नहीं होता। बिना मांगे तो माँ भी रोटी नहीं देती, तो लोग क्यों देंगे तुम्हें वोट? ऐसा नहीं कि मित्रों ने समझाया नहीं समय रहते। उन्हें पता था कि मीडिया कितनी अधिक प्रभावशाली है आज। यहां तक कि यह भी कहा कि बिना खाना मांगे तो माँ भी रोटी नहीं देती। आत्मविश्वास से दिप दिपाते चेहरे पर छलक आई। पसीने की बूंदों को पोंछते हुए वे कहते, 30 साल क्या कम है मेरे विज्ञापन के लिए? कौन सा घर है जहां मेरी सेवा नहीं पहुंची? कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी इंसान को गर्त में गिरा सकता है, अति आत्मविश्वास। वह अपनी 30 साल की सेवा को ही गिनाते रह गए। बोलते बोलते गर्व से उनकी नाक फूल जाती। चाय बैगुनी बैंगन की भाजी को बोलते हैं, खाते मित्र दबी जबान से कहते, जैसी अभी लहर चल रही है इन दिनों और जिस प्रकार का आक्रामक प्रचार है, हमें रिस्क नहीं लेनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब अपनी कड़वी दवा पर अड़े रहते। सच्चाई को नगाड़े की जरूरत नहीं होती और तैश में आकर अध पी प्याली छोड़ निकल पड़ते। मित्रों के बार बार समझाने पर भी कि आजकल मीडिया का जोर बहुत अधिक है, डॉक्टर साहब ने मित्रों की बातों को भी किनारे कर दिया और कई बार तो इतने नाराज हो जाते कि तैश में आकर, क्रोध में आकर अपनी अध पी चाय की प्याली भी छोड़कर निकल जाते। उन्हें भरोसा था कि कोई ऐसा घर नहीं है जहां उन्होंने अपना सेवा कार्य न किया हो, तो क्यों कर वह घर घर जाकर वोटों की भीख मांगे।
सारी खुदाई एक तरफ। डॉक्टर मधुसूदन एक तरफ। और तो और एन चुनाव के दिन भी एक इमरजेंसी केस में फंसे रहे और किसी प्रकार दौड़ते भागते दिया अपना वोट। यहाँ एक बात पर गौर कीजिए कि जो डॉक्टर अपने पत्नी और पुत्र को त्याग कर सिर्फ और सिर्फ अपने मरीजों के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित रहता है, वो क्यों कर चुनाव के दिन भी चुनाव के कार्यों में उलझा रहेगा। वह तो फिर से एक इमरजेंसी केस में यहाँ वहाँ दौड़ते रहे, यहाँ तक कि खुद का वोट खुद को देने के लिए भी उन्होंने किसी प्रकार समय निकाला। दोस्त, रिश्तेदार, शुभचिंतक, आशंकित, लेकिन डॉक्टर साहब पूरी तरह आश्वस्त। दोस्त, रिश्तेदार संसार की सच्चाइयों को पहचानते थे, परंतु डॉक्टर साहब को अपने सेवा भाव पर कुछ अधिक ही विश्वास था, तो वह तो पूरी तरह आश्वस्त थे कि वह तो हारेंगे ही नहीं। उनके दोनों मुख्य प्रतिद्वंदी कुख्यात गुंडे, ऐसे में कौन रोकेगा उनके विजय रथ को? जब आपके सामने आपके प्रतिद्वंदी कुख्यात गुंडे होते हैं तो वोटर कुछ डर के मारे, कुछ लालच के मारे उन्हें वोट किए चले जाते हैं, तब उन्हें डॉक्टर साहब के किए निस्वार्थ सेवा भाव से भी ऊपर अपनी जान, अपनी शांति दिखाई देती है। कहते हैं ना, जल में रहकर मगरमच्छ से बैर कैसे करें, तो इसी प्रकार वह उन कुख्यात गुंडों के दबाव में रहकर उन्हें ही वोट दे बैठे। और तो और मतगणना के दिन भी निरास्त योगी की तरह निकल पड़े रोगियों को देखने। डॉक्टर साहब को तो वोटों की गिनती वाले दिन भी अपने रोगियों से ऊपर कुछ नहीं दिखा और ऊपर से आश्वस्त तो वे थे ही। रोगियों को देखते देखते ही हाजमा बिगड़ गया, बीपी खतरे की सीमा छूने लगा। टीवी बोला, भी बोला, मोबाइल बोला, घर बोला कि वे सारे प्रतिद्वंदियों के पीछे चल रहे। घर पहुंचे तब तक वे अपनी जमानत जब्त कर चुके थे। उन्हें मिले थे सिर्फ 55 वोट, सिर्फ 55। जैसे उन्होंने
अपना चुनावी नतीजा देखा तो वह आसमान से नीचे गिरे। उनका हाजमा खराब होना शुरू हो गया, बीपी खतरे की सीमा छूने लगा, क्योंकि इससे बड़ा तो कोई सदमा नहीं हो सकता कि वे न सिर्फ अपने प्रतिद्वंदियों से पीछे चल रहे थे, जब तक वे घर पहुंचे, उनकी जमानत जब्त हो चुकी थी। जमानत जब्त हो जाने का अर्थ है कि अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको एक तय राशि भरनी पड़ती है। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो ठीक है, परंतु यदि आप चुनाव हार जाते हैं तो वह राशि जब्त कर ली जाती है। और सबसे दुखद जो बात थी वो यह थी कि उन्हें सिर्फ 55 वोट मिले थे, 55 वोट्स, और सिर्फ 55 बहुत दुखद आंकड़ा था। भीतर कुछ इतने जोर से टूटा कि उसकी आवाज को सारे परिवार ने सुना। आसमान से फर्श पर आकर गिरे डॉक्टर साहब, इतने साल का किया उनका सदकर्म, उनकी सच्चाई, उनकी अच्छाइयों का यह नतीजा मिला था उन्हें। झाँव झाँव करते गली के कुत्ते ने सुना। और दुखद बात यह थी कि उन्होंने कभी सपने में भी यह नहीं सोचा था। मनुष्य जब किसी चीज की आशा करता है, किसी चीज की उम्मीद करता है, और वह जब पूरी नहीं होती, तो उससे मिलने वाला कष्ट और उससे मिलने वाली पीड़ा बहुत दुखदाई होती है। कुछ ऐसा ही डॉक्टर साहब के साथ हुआ था। उनके किए हुए सदकर्मों का फल उन्हें इतने कम वोटों के साथ मिला। अब न वो जो परिवर्तन लाना चाहते थे वो ला पाएंगे, और बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल गई वो अलग। उन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय समाज में परिवर्तन लाने के लिए किया था, परंतु इस चुनाव के नतीजे ने उन्हें पूरी तरह झकझोर दिया। आज की कक्षा का समय समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम आगे की कहानी पढ़ेंगे।